जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली, बहुत सारे बच्चों के मेरे से क्वेश्चन रहते हैं कि सर आपने तैयारी कैसे की थी, हम भी आपकी तरफ फौजी बनना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत ही शानदार शानदार कमेंट भी आते हैं कि सर हमने आपको अपना आइडल मान लिया, या आपने तैयारी कैसे की अपनी, और किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करने की क्या रणनीति होनी चाहिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आज तक आप जितने भी आपके दोस्त या जितने भी दोस्त बंधु जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी फोर्स की या किसी भी एग्जाम की, आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंट भी है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं आता है। उसका रीजन क्या है दोस्तों, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों उनका नंबर नहीं आता है इतनी अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी। दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, होता क्या है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी एक फिक्स तरीका होना चाहिए पढ़ने का, कौन सा एग्जाम इसके लिए मुझे किस प्रकार से पढ़ना है, उसी प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, एक रणनीति बनानी चाहिए उसके लिए कि हाँ मुझे हर रोज इतने घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा सबसे कमजोर है और कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, तो कौन सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम दूँ। दोस्तों जो अगर आप पूरे दिन मान लो अगर 24 घंटे में से अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, और अगर 12 घंटे में से मान लो अगर आप पढ़ तो रहे हो, अगर आपने GK पढ़ ली पूरे दिन, क्या एग्जाम फाइट कर लोगे, या पूरे दिन मैथ पढ़ ली तो क्या एग्जाम फाइट कर लोगे? नहीं दोस्तों, आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज़ पढ़नी है और किस प्रकार से पढ़नी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी फिक्स स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए SSC GD के लिए, SSC GD जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी किस प्रकार से पढ़ाई होनी चाहिए इसके लिए, और ये काफ़ी मददगार साबित होगा आप सभी के लिए जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं या पहले से तैयारी करते आ रहे हैं लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा है, किसी कारणवश नंबर बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। वीडियो उन्हीं के लिए है जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी या तो उनको याद नहीं होता या उनको मैथ समझ में नहीं आती, रीजनिंग समझ में नहीं आती, उनके लिए ये वीडियो है। मेहनती बच्चों के लिए जो मेहनत ही नहीं करते उनका कुछ नहीं हो सकता, ये केवल मेहनती बच्चों के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लेकिन परिणाम थोड़ा अच्छा नहीं मिल रहा उनके लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि 4 सब्जेक्ट है SSC GD में, मैथ, रीजनिंग, GK और हिंदी। चारों सब्जेक्ट में से सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है। सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। वो कैसे पता चलेगा, आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आलस आते हैं वो सबसे आपका वीक होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा होगा उसको पढ़ने का आपका हमेशा दिल करेगा। कई बच्चों को GK पढ़ने का हमेशा दिल करता है, कई को मैथ मिलाने का हमेशा दिल करता है, तो जो सब्जेक्ट आपका सबसे कमजोर होगा वो सबसे आलस्य वाला सब्जेक्ट होगा, आपको बहुत आलस आएगा, तो वो सब्जेक्ट हो गया आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट। अब उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, SSC GD। तो दोस्तों अग्रवाल पब्लिकेशन की भी एक फुल डिस्क्रिप्शन वाली बुक आ गई, ऑल इन वन, यानी चारों सब्जेक्ट की एक ही किताब आ चुकी है, इसकी एक लिमिटेड मतलब नॉर्मल प्राइस में आ चुकी है, अमेजन पर है, जाके आप परचेज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही अच्छी बुक आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। इसके साथ में एक मॉडल पेपर भी है, इनके मॉडल पेपर की भी बुक है, वो भी शानदार बुक है, उसमें मैंने पहले ही बताया था ओल्ड पेपरों के साथ में मॉडल पेपर भी दिए हुए, ताकि एक आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे, जिन बच्चों के पास में अभी तक बुक नहीं हो, बुक तो पक्का परचेज कर लीजिए, क्योंकि बुक के बिना तैयारी नहीं होती, ऑनलाइन से तैयारी नहीं होती, बुक आपको चाहिए ही चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि आपको जो हार्ड सब्जेक्ट है यानी जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों आप मिनिमम मान के चलिए, मैक्सिमम की नहीं माना, मिनिमम एक दिन में 8 घंटे तो आपको, आप में से बच्चे पढ़ते होंगे, 8 घंटों में से 6 घंटे बिल्कुल क्लीन रूप से पढ़ते होंगे। अगर एक बच्चा 8 घंटे रेगुलर अभी पढ़ने लग जाएगा तो उसको SSC GD में कोई रोकने वाला सवाल पैदा नहीं होता कि अगस्त के महीने में उसको कोई रोकने वाला होगा, ये तो कतई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि अगस्त के महीने में उसको कोई रोक सकता है, ऐसा तो कोई सपने में भी नहीं सोचता अगर 8 घंटे आज पढ़ता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 6 घंटे भी पढ़ता है तो उसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, मैं जिस स्ट्रेटजी से मैंने 35 दिन तैयारी की थी, मैं कई बार बोल चुका हूँ 35 दिन ही तैयारी की थी मैंने और 35 दिन में इतना अच्छा स्कोर किया था जो, लेकिन मैं, हाँ मेरे पढ़ने के घंटे कुछ ज़्यादा थे, मैं कम से कम एक दिन में 12-13-14 घंटे जितना पढ़ पाता था, जब तक आँखें जबरदस्ती बंद नहीं होती थी तब तक पढ़ता, जब आंखें जबरदस्ती बंद हो जाती तब रुकता था, और वही एक तरीका होना चाहिए बच्चे का। अगर उसको लगना है, जो मैं ये नहीं बोलता कि 4 घंटे पढ़ के बस एग्जाम करेक्ट कर दोगे, नहीं बेटा, आजकल बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं तो आपको भी उनके बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए एक सही तरीका होना चाहिए।
सही तरीका कौन सा दोस्तों, इन चारों सब्जेक्ट में से जैसे आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए पहले हम आपको मानते हैं कि मैथ मिलाने का आपका दिल नहीं करता, तो फिर आपको मैथ किस समय पढ़नी चाहिए दोस्तों, याद रखिए जिस समय, अब आपको मैथ उस समय पढ़नी है कि जिस समय आपका पढ़ने का जब से ज़्यादा मन हो, यानी सुबह का टाइम कई बच्चों को मॉर्निंग में अच्छा लगता है कि उठते ही पढ़ना शुरू कर दें दोस्तों, आपको अभी जो दिन है, अभी जो चल रहे हैं ये सीखने वाले दिन है, कंपटीशन को हिट करने वाले दिन नहीं, अभी आपके 4-5 महीने यानी इन 2 या महीनों में, पहले 2 महीनों में आपको वो चीज़ें सीखनी है जो आपको नहीं आती, वो चीज़ें सीखने वाले दिन अभी है, फिर उनको शार्प करना, फिर उनको तेज करना है, कब, लास्ट के 1 महीने में या 1.5 महीने में, अभी आपको सीखना है जो चीज़ें नहीं आती, तो इसीलिए आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है पढ़ने वाला, जब आपका दिल करता है तो उस समय आपको हार्ड सब्जेक्ट लेना, मान के चलिए कि ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है मैथ, तो मैथ को आपको उस समय में लेना है। फिर सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए क्या करना है कि मैथ की जो बुक आप ले रहे हो, जैसे मैंने काफ़ी बुक सजेस्ट कर दी, उनमें से जो भी आप बुक ले रहे हो उसमें क्या होता है कि हर एक प्रश्नावली में पहले 10-12 क्वेश्चन ईजी होते हैं, फिर आगे वाले धीरे धीरे टफ होते हैं, तो पहले आपको ईजी क्वेश्चन सीख लें, 10-12-15 जो भी क्वेश्चन है वो इजी, पहले आपको वो परफेक्ट कर लेने, यानी अगर उन इजी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप उसका नंबर आपका पक्का, इस हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है टोटल प्रश्नावलियों के इजी क्वेश्चनों की, यानी अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया इजी वालों में तो वो आपका नंबर पक्का हो जाना चाहिए, बस ये तैयारी कर लेनी है सबसे पहले, डिफिकल्ट की नहीं बोल रहा मैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं और उनकी भी पीछे जाके प्रश्नावलियों में से प्रैक्टिस करनी है, जो जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो टफ आता है उसको छोड़ देना एक बार के लिए, लेकिन आपकी उन इजी क्वेश्चन की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वहां पर आपका एक नंबर पक्का है। उसके बाद में क्या करना है, आप इजी क्वेश्चन सीख जाओगे, मेरे ख्याल से आप अगर दिल से पढ़ोगे 30 दिन में, 30 दिन के समय में आप इजी क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे मैथ का, ये मेरी गारंटी है, दिन में नॉर्मल पढ़ गई। उसके बाद में जब अगर आपको पूरे इजी क्वेश्चन आ जाएंगे तो गारंटी है मेरे को कि जितने हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना उनमें से 50% आपको आ गए, अब बचा कितना, 50%, बाकी 50% को सीखने के लिए आपके पास में 3 महीने, तो 1 महीना और दिल लगा के मेहनत कर लोगे हार्ड क्वेश्चन के लिए, गारंटी है मेरी। इस प्रकार से आपके 60 दिन में इजी और हार्ड दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब बोलोगे सर आपने पहले इजी का क्यों बोला, इजी का इसलिए बोला, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपकी स्पीड बनेगी मल्टीप्लाई करने की, वर्गमूल करने की, वर्ग ज्ञात करने की, घन ज्ञात करने की स्पीड हो जाएगी, तो टिपिकल क्वेश्चन भी इजी लगने लग जाएंगे और करने में आसानी रहेगी बेटा। तो इस प्रकार से मैं तैयार करूँ। बात आती है रीजनिंग की, कई बच्चों को रीजनिंग शुरुआत में समझ, लेकिन रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको आपको भी पता होगा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, क्योंकि इसमें एक कोई लॉजिक चलता है कि ये यहाँ पर आया तो कैसे आया, ये यहाँ पर आया तो कैसे आया, कोड इनकोड में ये कैसे हो गया, अल्फाबेट आगे पीछे कैसे हो गए, तो ये तो लॉजिक, इसमें तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा गारंटी मेरी। इसको आपको कौन सा समय पढ़ना चाहिए, जब आपको नींद आने के चांसेस हो, आपको लगता है कि भाई आपका विकेट गिरने वाला है, अब तो आप स्वर्गों में जाने वाले हैं, उन परियों के सपने देखने वाले हैं, जिन कॉलेज वाली लड़कियों के सपने आने वाले हैं, तो उस समय आपको रीजनिंग लेनी है, रीजनिंग क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको दूसरे को भी बोलना देख इसमें कैसे आया, देख इसमें कैसे आया, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो कैसा होगा, तो वो आप रीजनिंग वहाँ से अपने आप आपका दिमाग शार्प होता जाएगा, तो रीजनिंग को इस समय में पढ़ना बेटा। अब एक प्रॉब्लम हो रही थी मोटी, वो होती है जीके की, कुछ मेरे जैसे बड़े दिमाग वाले बच्चे हैं उनको जीके याद नहीं रहता, ये काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि सर जीके हमको याद ही नहीं रहती, बिल्कुल भी याद नहीं रहती, चाहे कितना भी कोशिश कर लो लेकिन जीके याद है नहीं होती है, होती है ना ये आपके साथ में, काफ़ी बच्चों के साथ में होती होगी कि जीके याद नहीं होती, बिल्कुल होती है, जीके याद भी होती है, लेकिन कैसे होती है मैं बताता हूँ। जीके डिस्क्रिप्शन वाले तरीके से आप पढ़ो, आपको एक नोट पेन लेना है, एक पेन और एक नोटबुक लेनी और एक जीके की बुक लेनी, जब भी आप जीके पढ़ो बिल्कुल स्ट्रेट होकर अच्छे से बैठ के पढ़ो और शानदार तरीके से पढ़ो, जैसे बुक पे नज़र और उसमें से जैसे पढ़ रहे हो कोई थ्योरी तो उसको अंडरलाइन इधर लिखिए, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मान लो बाबर के पार्ट में पढ़ो तो सबसे ऊपर लिख लिया बाबर, नीचे क्रॉस सिंबल लगा के ये बाबर का बाप, ये उसका ये उसने युद्ध लड़ा था, यहाँ पर उसने ये किया था, उसमें से मोस्ट इधर लिखते जाओ, ठीक है। अब क्या करना है कि इधर वाली चीज़ों को एक बार आपको अच्छे से देखना, फिर वापस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, तो एक ही बार में आपका 3 बार रिपीटेशन होगा, और अच्छे माइंड से पढ़ना, जब तक दिल करे तब तक पढ़ना, जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ, जब थक जाए मन नहीं करे तो थोड़ा सा घूम फिर के दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के फिर वापस वहीं पे आ जाए, लेकिन अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो एक बार में 3 बार रिपीटेशन होगा, गारंटी मेरी धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएगा, क्योंकि आप डिटेल से पढ़ोगे।
इस प्रकार से पढ़नी है आपको जीके। हिंदी की मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों की, क्योंकि हिंदी नॉर्मल सब्जेक्ट है, हमारा राष्ट्रीय भाषा भी, हम शुरू से पढ़ते हैं, तो उसको याद करना भी ईजी है और उसको कंप्लीट करना भी ईजी है, उसका सिलेबस भी ईजी है। लेकिन इन सब्जेक्ट को आप ऐसे तैयारी करोगे तो गारंटी है, क्या है गारंटी है मेरी, अगस्त के महीनों में आपके नंबर आसमान छुएंगे। लेकिन तैयारी आज से करनी होगी। जय हिंद, जय भारत।